हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बीए फोर सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यूज है, यानी कि जो अभी कल एग्जाम हुआ है और इसी तरीके का सेम एग्जाम अभी 8 जून को भी कंप्लीट हुआ है। तो ये आंसर कीज आपको हेल्प करेगी। सो आपको यहाँ पे सीरीज को ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आपका पेपर किस सीरीज का है, आपको फोकस करना है सिर्फ अपने क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन को मैच करना है कि आपका क्वेश्चन कौन सा है और आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड देन भाई पूरी वीडियो देखने के बाद ही लाइक करना, और कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है उसको पिन कर देना। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए फटाफट से क्वेश्चन को अब यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि विधि का लक्ष्य स्वतंत्रता को नष्ट करना अथवा प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसे संरक्षित तथा संवर्धित करना है, क्योंकि समस्त मानव समाजों में जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ये कथन किसका एक स्टेटमेंट है? कहने का मतलब ये है कि जहां पर नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, तो हु सेड दिस? द एंड ऑफ द लॉ इज नो एबॉलिश ऑफ द रिस्ट्रेंट बट नो प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। ठीक है, इसके साथ साथ ही देखो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर दोनों में पढ़ने लगी दोनों लैंग्वेज तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि लॉक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लॉक के द्वारा देगा। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा मार्क्स के दर्शन का एक पथ है, यानी कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का विकास, क्योंकि पूंजीवाद का विकास बाकी जो भी इससे ऑप्शन में है वो से रिलेट नहीं करते हैं। आपको लगेगा देख करके कि हाँ कैपिटलिज्म के बारे में बताया, बट उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मार्क्स कम्युनिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो करते थे। तो पूंजीवाद का थोड़ा बहुत इन्होंने पार्ट बताया, लेकिन इतना नहीं है कि उसको डेवलप ही करना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन की प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा एक दर्शन है? यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी कि राज्य शोषण का एक उपकरण है, स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका किंतु वह मध्ययुगीन भी नहीं रहा, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये आपको बर्कर का भी लगेगा, डनिंग का भी लगेगा, बट ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने क्या बताया कि एक आइडियल स्टेट की जनसंख्या कितनी है? 5040। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते कि कौन प्लेटो को मुक्त समाज का एक शत्रु मानता है, हु रिगार्ड्स प्लेटो एज द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कार्ल पॉपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत तो आर्थिक समानता की स्थापना करता है या वर्गविहीन समाज की स्थापना करता है, केवल एक वर्गविहीन पर लागू होता है, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि अप्लाइज ऑन टू ए पर्टिकुलर क्लास। तो ये जो प्लेटो का साम्यवाद है ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर क्लास को ही फॉलो करता है, क्यों? इन्होंने संरक्षक वर्ग को ही इसमें फॉलो किया है, संपत्ति है प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर मतलब जो कम्युनिज्म की जो थियोरी उसकी पर्टिकुलर क्लास को ही फॉलो करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की टी एच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता कानून की विरोधी है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, या स्वतंत्रता उचित कार्य का सकारात्मक शक्ति है, या स्वतंत्रता कुछ भी करने का लाइसेंस है। यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा कि लिबर्टी इज अ पॉजिटिव पावर फॉर डूइंग व्हाट इज वर्थ डूइंग। ठीक है, कि भाई जो आपकी लिबर्टी होती है सो बेसिकली एक पॉजिटिव पावर है, किस चीज के लिए? कि एक सकारात्मक शक्ति को उजागर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेंथम के नाम से जुड़ा है, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि पुश्पिन इज ए गुड एज पोएट्री। ठीक है, कि पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिन्हें बौद्धिक योग्यता एक सुनिश्चित मात्र विद्यमान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लॉक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, कि हु सेड दैट स्टेट इज अ प्रियर टू द इंडिविजुअल। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर ऑन जुरिसप्रूडेंस
के लेखक कौन है। अब इसमें जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, जॉन ऑस्टिन, बेंथम, लोग, होब्सी, सारे के सारे जो ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए भाई, ये सारे के सारे ही इन्होंने रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं। क्योंकि जब भी आप गूगल करोगे या सर्च करोगे तो जूरी प्रूडेंस जो किताब है, जो लेक्चर्स ऑन जूरी प्रूडेंस जो बुक्स है, ये बेसिकली एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब इस तरह के क्वेश्चन में आप सोचोगे कि अब क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई ऑप्शन ही गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर सही तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जेंटली तरीके से वो कॉपी चेक करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबको इक्वल नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, जहां पर उनकी खुद की मिस्टेक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मैकियावेली। आधुनिक युग में आपको क्वेश्चन में ना जो चीज पूछी जा रही है ना, उसको थोड़ा सा पॉइंट पे रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। राज्य शब्द का प्रयोग ऐसे नहीं कि आधुनिक में अर्थ में पूछा जा रहा है, मॉडर्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेनेसा के बाद सबसे पहले जो मॉडर्न आधुनिक जो पहला थिंकर था वेस्टर्न में, तो वो मैकियावेली था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। तो सबसे अगर प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक देखा जाए कि पॉलिटिशियन साइंटिस्ट देखा जाए, तो वो अरिस्टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की सबसे कठोर आलोचना किसने की। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, हेनरी मैन। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। इससे सिंपल और इससे हल्का क्वेश्चन इस पूरे पेपर में आपको नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। भाई ये बिल्कुल कह रहे ना कि हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है कि इसमें अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा होना तो डेफिनेटली ये तो आपने सही कर ही दिया होगा, और अगर ये भी सही ना कर पाए तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सद्गुण ज्ञान है और ये किसने कहा है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सुकरात, यानी कि वर्च्यूज इज ए नॉलेज, तो ये सुकरात ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध किससे है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, नाजीवाद, नाजीजिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कानून संप्रभु का आदेश है किसने कहा, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहां से हुई है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यूनान से। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगितावाद का मूल तत्व क्या है, तो उपयोगितावाद यानी कि जो यूटिलिटेरियनिज्म होता है वो सुखवाद और दुखवाद दोनों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस विचारक को अंग्रेजी आदर्शवाद का पिता कहा जाता है, तो यहां पर भी देखो ऑप्शन जो होंगे वो रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने एग्जाम में, पता नहीं क्या टाइपिंग मिस्टेक है कि क्या किया है, ये नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये रॉन्ग कितनी ऑप्शन है ये इससे रिलेट नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें प्लेटो आ जाता है आपका, 26 का जो क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है आपकी सीरीज में किसी और नंबर पे क्वेश्चन हो, बढ़िया क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में पूछा गया है, चाहे आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर सेम पैटर्न है, सेम पेपर है, तो क्वेश्चन भी आपको यही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर किसी विचारक की बात करते हैं कि अंग्रेजी आदर्शवाद का पिता अगर कहा जाता है, तो वो यहाँ पर प्लेटो को बोला जाता है, बट इसमें लॉस की, हॉब, लॉक, ग्रीन सब हैं जो इससे रिलेट नहीं करते। इस तरह क्वेश्चन में आपको इक्वल नंबर देने की, मतलब इक्वल नंबर मिलते हैं भाई, अगर उनकी खुद की गलती होती है, किसी में मिस्टेक्स होती है, गलत क्वेश्चन होता है, तो ऐसे में नंबर सबको इक्वल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हना अर्डेंट किसकी शिष्य थी, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मार्टिन हाइडगेगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हना अर्डेंट की कौन सी पुस्तक मरणोपरांत प्रकाशित हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, द लाइफ ऑफ द माइंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया, तो एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसने बना, तो वो तो रूसो था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इसको पुनर्जीवित यानी कि रिव्यू किसने किया, तो ऑप्शन यहाँ पर भी इसमें रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें पुनर्जीवित करने की भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन सारे ऐसे ही दिए हुए हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, तो राइट आंसर जो है थॉमस होब्स का निकलता है इसमें। ठीक है, मतलब रिव्यू करने में भी, तो ये भी है, तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके का आ रहा है जिसमें ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं। ठीक, तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर नंबर मिलेंगे सबको इक्वली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जोल नोल्स ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस।
अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हना अरेंडेंट की है, तो यहाँ पर द ह्यूमन कंडीशन, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ऑन रिवोल्यूशन, तो ये सारे के सारे जो किताबें हैं वो हना अरेंडेंट से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जॉन रॉस किस देश के विचारक थे, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट किस प्रकार की दार्शनिक थी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, नारीवादी यानी कि फेमिनिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, द प्रिंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉब्स समर्थन करता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, पॉपुलर सोवर्जनिटी को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वॉलेंस्टोनक्राफ्ट द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वालिटी। तो ये जो किताब है डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वालिटी, ये रूसो के द्वारा लिखी गई है, वॉलेंस्टोनक्राफ्ट के द्वारा, बाकी तीन किताबें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसने राजा के लिए कहा कि वह शेर जैसा बहादुर या लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट द्वारा निम्न में से किसकी आलोचना की गई, तो मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट ने किसकी आलोचना की, तो वो जैसे कि हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं, वो एक फेमिनिस्ट हैं और फर्स्ट फेमिनिस्ट मानी जाती हैं वेस्टर्न कल्चर्स की, तो यहाँ पर ऑप्शन का सी सही हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पैट्रियटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी वो हमेशा से आलोचना करती रहे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द सिटी ऑफ द गॉड किसकी रचना है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संत अगस्टाइन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्यकालीन अरस्तु किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनस। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकू के झुंड मात्र कहे जाते हैं, कथन किसका है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, अगस्टाइन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के महिला मुक्ति आंदोलन में सिमोन द बोवायर ने कब भागीदारी की, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 1970 यानी कि 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजा लक्जमबर्ग ने जर्मन नागरिकता कब प्राप्त की थी, तो ऑप्शन इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 1898, लेकिन किताबों में आपको देखने को मिलेगा 1897, लेकिन यहाँ पर आप देखना ऑप्शन सबसे ज्यादा किसके नजदीकी यहाँ पे 1898 के, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नारीवाद की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट। तो मैरी वॉलेंस्टोनक्राफ्ट वो फर्स्ट लेडी थी, वो फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर थी जिन्होंने सबसे पहले फेमिनिस्ट की जो मतलब आइडियोलॉजी को स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी रिपब्लिक का पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सिसरो। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ईसाई चर्च की शिक्षाओं और अरस्तु के बीच दर्शन के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया, यानी कि जो ईसाई की जो क्रिश्चियन की जो चर्च एजुकेशन है एंड देन अरिस्टोटल की जो फिलोसफी है उसके बीच में बैलेंस किसने क्रिएट किया, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संत थॉमस एक्विनस। अगला क्वेश्चन देखिए कि रोजा लक्जमबर्ग ने जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 1918। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको स्टोइकवाद का संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, जीनो। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस एक्विनस ने कानून को कितने भागों में बांटा, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है, और 4 टाइप में पहला है द इटर्नल लॉ, द नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ एंड द डिवाइन लॉ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बुद्धिजीवी जो पोल सात्र का निधन कब हुआ, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 1980। अपने क्वेश्चन मैच करते चलिए, कितने सही और कितने गलत हैं नीचे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संत अगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य के आवश्यक तत्व है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी कि धर्म शांति न्याय ये सब ईश्वरीय राज्य के आवश्यक तत्व कहे जाते हैं, किसके अनुसार, संत अगस्टाइन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म सत्ता के सर्वोच्चता के तर्क हैं, तो ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी कि अगर हम रिलीजियस अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है वो सब इससे रिलेटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में यानी कि 1300 AD में पुनर्जागरण की झलक निम्न किस देश में दिखाई पड़ी, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, फ्रांस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइकल जोसेफ ऑक्सफोर्ड का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमोन द बोवर की रचना है, तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज कि सी केम टू स्टे, द ब्लड ऑफ अदर्स, द वुमेन डिस्ट्रॉय, ये सारे के सारे जो किताबें हैं वो सिमोन द बोवर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अनुदारवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, एडमबर्ग को, एडमंड बर्ग सॉरी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमैनु कांट द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक युग में संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस दर्शन ने किया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बोंदा यानी कि बोडिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर कार्य का अधिकार इज नॉट ए नेचुरल राइट्स। ठीक है, तो राइट टू वर्क, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बाकी जीवन का अधिकार है, संपत्ति का, स्वतंत्रता का, ये सब लोक के अनुसार एक नेचुरल राइट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर है, मतलब कि जो डिफरेंसेस है वो किस लेवल पर है? तो ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, वो क्वांटिटी लेवल पर है, यानी कि जितना ज्यादा सुख कितना ज्यादा दुख, उस आधार पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, अब इसमें ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, रोल्स के द्वारा। ठीक है, मतलब जो पॉपुलर है, वैसे तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली अरिस्टोटल नजर आएंगे, अरिस्टोटल के अनुसार ही ये आइडियोलॉजी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन किया गया था, दिया गया था, बट जो सबसे फेमस जो पॉपुलर है वो रोल्स का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक ने समर्थन किया है, किस चीज का समर्थन किया है? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सीमित प्रभुसत्ता का। अगला क्वेश्चन है कि द इमल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑस्टिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी किस पुस्तक में हीगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, फिलोसफी ऑफ द राइट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, ये कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, धनिक तंत्र। क्योंकि जब आप रूसो के गवर्नमेंट को पढ़ते हो तो उसमें जनतंत्र, अभिजात तंत्र, वो राजतंत्र के बारे में एक्सप्लेन करता है, बट धनिक तंत्र इज नॉट पार्ट ऑफ रूसोस आइडियोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैव्य सजा होती है, कथन किसका है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणात्मक सुखों और मात्रात्मक सुखों में किसने अंतर किया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मिल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, मतलब सुमेल गलत है, ये जितना भी आप मतलब ये मैचिंग है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि होब्स दास कैपिटल नहीं लिखी है होब्स ने, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, बाकी प्लेटो रिपब्लिक सही है, अरस्तु पॉलिटिक्स सही है, हीगल साइंस ऑफ लॉजिक सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि जेएस मिल ऑन लिबर्टी। ठीक है, बाकी सब मतलब द प्रिंस लॉक ने नहीं लिखी है, मैकेवली ने लिखी है, तो बाकी सब गलत है, सिर्फ सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक लॉस के द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, लॉस के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए कि होब्स के अनुसार संप्रभु कानून से ऊपर है या व्यक्ति संप्रभु से ऊपर है, संप्रभु जनता के प्रति उत्तर है या संप्रभु दैवीय विधियों से बाध्य है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, संप्रभु कानून से ऊपर है, यानी कि सॉवरेंटी को उन्होंने सबसे प्रायोरिटी पर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य है? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, आर्थिक समानता। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कि कानून द्वारा प्राधिकृत विशेष सुविधाएं। ठीक है, सो ये आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बट इसमें अगर मतलब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को छोड़कर जो हमने डाउट में रखे हैं, यानी कि जिनके ऑप्शन ही गलत हैं, उन क्वेश्चंस को तो आप एक साइड रख दो। ठीक है, और वैसे भी उनके सबको इक्वली नंबर मिलेंगे अगर आपकी कॉपी सही तरीके से चेक होती है तो। ठीक है, क्योंकि यही रूल्स है कि अगर मतलब जो एग्जाम कराते हैं वही गलत किसी मिस्टेक से कोई क्वेश्चंस गलत देते हैं तो उसका जो नंबर्स होते हैं वो सबको इक्वल डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो आंसर कीज है अगर आप तक पहुंचे और आप कुछ और आपके फ्रेंड सर्कल में जितना भी आप उसको शेयर कर दो। ठीक है, ताकि सबको अपना पता चल सके कि कितने कितने आपके मार्क्स हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।